हाय निसाराठा किचन में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे नींबू पुदीना का शरबत। जैसे आप सभी लोग जानते हैं इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। नींबू पुदीना का शरबत हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है और डाइजेशन को अच्छा रखता है। अगर आप गर्मियों में कहीं बाहर जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, गर्मियों में अक्सर होता है जी मचलाने लगता है, घबराहट होती है गर्मी की वजह से, तो आप एक गिलास शरबत पीकर बाहर जाइए, सारा दिन तरोताज़ा रहेंगे। अगर नहीं भी बाहर जा रहे हैं तो भी आप इसे रोज़ सुबह एक गिलास शरबत बनाकर पीजिए, सारी गर्मी आप तरोताज़ा रहेंगे। तो इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाना भी बहुत ईजी है और कम से कम सामान में बनकर तैयार हो जाता है। इसे बनाने के लिए एक कटोरी हमने फ्रेश पुदीने की पत्तियां ली हैं। इस तरीके से डंडी से सारी पत्तियां अलग कर ली हैं, इसे अच्छे से साफ करके धो के लिया है। अब इसे हम एक मिक्सी जार में डाल देंगे और इसमें हमें थोड़ा सा पानी डालना है जितना कि पत्तियाँ सही से पिस जाएँ, ज़्यादा पानी का यूज नहीं करेंगे। अब हम पुदीना को एकदम से बारीक पीस लेंगे। पुदीना को हमने एकदम से बारीक पीस लिया है, उसे हम रख देते हैं साइड में। तो अब हम इसके लिए शुगर सिरप बनाकर तैयार करेंगे। तो सबसे पहले गैस पे एक कढ़ाई रख देंगे और उसमें डाल देते हैं 2 कटोरी चीनी। यहाँ पे हमने छोटी वाली 2 कटोरी चीनी ली है। जितनी हमने चीनी ली है उसका हमें आधा पानी यूज करना है, यानी कि 1 कटोरी पानी। अब हमें चीनी को मेल्ट होने देना है, इसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो इधर चीनी पूरी तरह से मेल्ट हो चुकी है और चाशनी में भी उबाल आने लगे हैं। अब हमने जो पेस्ट बना के रखा है पुदीना का, वो उसमें डाल देते हैं। सारा पेस्ट हमने इसमें डाल दिया है। अभी इसमें बहुत सारा पेस्ट लगा हुआ, तो उसमें करीब 2 चम्मच पानी डालेंगे और इसमें डाल देते हैं। तो अब हम इसको थोड़ा सा गाढ़ा होने तक पकाएंगे। वैसे इसमें काफ़ी अच्छा कलर आ गया है, तो अब हम चाशनी को थोड़ा सा गाढ़ा होने तक पकाएंगे। अगर आप ग्रीन फूड कलर डालना चाहें तो इसमें थोड़ा सा डाल सकते हैं। हर कोई फूड कलर नहीं पसंद करता है, तो हमने इसमें फूड कलर का यूज नहीं किया है। इसे हमने बहुत अच्छे से पका लिया है। चाशनी हमारी गाढ़ी हो चुकी है, स्टिकी से तार बन रहा है। हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। तो इसे हमने अच्छे से ठंडा कर लिया है, तो हमें इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी रखनी है। चाशनी थोड़ी सी गाढ़ी रखनी है हमें। ठंडा होने के बाद हम इसमें मिक्स करेंगे 1/2 कटोरी नींबू का रस। नींबू का रस हमें बिल्कुल लास्ट में मिक्स करना है, नहीं तो इसका टेस्ट कड़वा हो जाएगा। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून काला नमक, 1 टेबल स्पून भुना हुआ जीरा क्रश किया हुआ। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो सारी चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसे हमें छानना नहीं है। जब ये चयन किया हुआ पुदीना जब मुंह में आता है तो उसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इस शरबत को आप किसी भी कंटेनर में भरकर फ्रिज में रख लें, 3 से 4 महीने तक ये आराम से चलता है। सारी गर्मी इसे इंजॉय करें। तो अब हम इसे सर्व करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिए हैं 2 ग्लासेस और इसमें डाल देते हैं 2 चम्मच पुदीने का शरबत। तो अब हम इसमें डाल देते हैं फ्रिज का ठंडा पानी। तो हमारा बेहतरीन पुदीने का शरबत बनकर तैयार है। अगर आप इसे थोड़ा ज़्यादा ठंडा पीना चाहते हैं तो आप इसमें कुछ आइस क्यूब्स भी डाल सकते हैं। आप पीजिए और अपने गेस्ट को पिलाइए और अपने अनुभव मेरे कमेंट बॉक्स पर शेयर कीजिए। ऐसी ही स्वादिष्ट रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं स्वादिष्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।